देखो आज हम लोग चालू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी को बोलते हैं जीओसी। इसी को बोलते हैं जीओसी, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन यानी बॉन्ड कैसे टूटता है, बात समझ में आया? उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड किस प्रकार से टूटता है। और ये चैप्टर क्या बोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को माना जाता है। बात समझ में आया? ध्यान से सारे चीजों को समझना। और यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीटली लॉजिकल चीज है ये, पूरा ऑर्गेनिक, ठीक है। दिमाग का भरपूर इस्तेमाल और बहुत सारे चीजों को याद रखने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, कुछ चीजों को याद रखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका एप्लीकेशन भरपूर है, ठीक है। तो तुमको वो छोटे 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 चीज जो भी हैं, वो चीज तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तभी फिर आगे अप्लाई आप कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आएगा, ठीक। तो बॉन्ड फिजन में क्या बता रहे हैं हम, कि बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक करेगा वो हम लोग जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा मान लेते हैं कि कार्बन, ठीक है, का बॉन्ड जो है वो ए के साथ है, ठीक है। कार्बन का बॉन्ड जो है किसके साथ है, ए के साथ, ठीक है। अब बताओ ए के साथ है, कार्बन का चार वैलेंसी होता सबको पता है, तीन किसी और के साथ अटैच है और एक किसके साथ अटैच है, ए के साथ, बात समझ में आया। अब इनका बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड ब्रेक करना, यानी एक तरह से पार्टनरशिप तोड़ना है। बॉन्ड ब्रेक करना क्या मतलब, पार्टनरशिप तोड़ना, ठीक है। अब पार्टनरशिप कैसे बनता है, शेयरिंग से। तो क्या यहां भी शेयरिंग है, बोलो, शेयरिंग है ना, कोवलेंट बॉन्ड है, तो शेयरिंग ऑफ क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इज दैट क्लियर। तो बताओ कि दो व्यक्तियों के बीच में यदि पार्टनरशिप है तो वो कैसे टूटेगा, कैसे टूट सकता है, जो तोड़ने के कितने तरीके, दो तरीका, एक तो पढ़े लिखे की तरफ से और दूसरा अनपढ़ गवार की तरफ से, दबंगई दिखा के, कट्टा दिखा के, जबरदस्ती, बात समझ में आ रहा है कुछ, क्या बोल रहा है, दो तरीके से, अरे दो ही तरीके से ना, या तो पढ़े लिखे की तरह टेबल पे बैठेंगे, टेबल टॉक होगा, भाई तू आधा मेरा आधा, अरे दबंग थोड़ा सा होगा वो, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये तुम्हारा टूट रहा है बॉन्ड, ठीक है, ये देखो ये कैसे टूट रहा, पढ़े लिखे की तरह या अनपढ़ गवार की तरह, बोलो, पढ़े लिखे की तरह या अनपढ़ गवार की तरह, पढ़े लिखे की तरह, तेरा तू ले जा, मेरा हम लेंगे, टाटा बाय बाय, दोस्ती अपनी बनी रहे। यानी कि इसमें क्या आपको नजर आ रहा है कि जो एटम हैं उनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन वो रिटेन कर लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का जो कर करके क्या बनाए थे, बॉन्ड बनाए हुए थे, उसको क्या किए, वापस ले लिए, बात समझ में आया, जो भी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था वो ले लिए वो वापस, ठीक है। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये देखो ये कैसे टूटा, हाँ यहाँ पे दबंग कौन है, कार्बन, अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही, साथ ही उसका वाला भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ दबंग का मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो उसका इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इज दैट क्लियर। ऐसे भी ये हो सकता है, हो सकता है क्या, बात समझ में आया। तो यहाँ पे कौन ज्यादा दबंग है, ए, तो ये वाला तुम्हारा तब होगा
इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन ए, अंडरस्टूड? और ये वाला तुम्हारा तब होगा इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन सी, समझ में आया? और इसका मतलब ये वाला कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का क्या रहे, इक्वल, अप्रोक्सीमेटली बराबर, तब वो चीज होगा। बात समझ में आया? ठीक है, और ये जो बन रहे हैं, ठीक है, ये जो बन रहे हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। और ये जो बना कार्बन पे बना, चूंकि ये तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो ये जो बना उसको कहेंगे कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन पे बना कार्बन आयन, और ये क्या होगा, कार्बोकेटायन। ये कार्बन आयन और ये कार्बोकेटायन, और इन्हीं तीनों को, यानी कि फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब कि रिएक्शन शुरू हुआ और अंत होगा, उसके बीच में जो बॉन्ड का टूटना और बनना जो होता है, वही वाला चीज तुम्हारा क्या है, फ्री रेडिकल बनेगा, नहीं तो कार्बोकेटायन बनेगा, और नहीं तो क्या बनेगा, कार्बन आयन। और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बेंजाइन हो गया तुम्हारा, नाइट्रीन हो गया, तो वो सब जो है वो हम लोग, कार्बीन हो गया, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जिसकी जरूरत है वो क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है, यानी कार्बन पे डॉट, कार्बोकेटायन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्बन आयन इज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? और ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिक, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, या फिर होमोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे दो तरीके से टूटा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, या फिर हेट्रोलाइसिस भी कहते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है इतना चीज? तो सबसे पहले इतना लिखने के बाद हेडिंग देना, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, इतना होने के बाद हेडिंग देंगे। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, हो गया। अब इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन इन विच एटम्स एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, एक्वायर इट्स ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इज नोन एज होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, इज नोन एज होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, इज नोन एज होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ब्रैकेट में लिख लेना होमोलाइसिस, स्टार देकर के लिखो, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन इज फाउंड लिखे, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन इज फाउंड, ठीक है, इन दोज टाइप ऑफ कंपाउंड, इन
those type of compound in which the electronegativity difference between the atom is zero or almost zero अगला स्टार देकर के लिखो. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन जनरली फाउंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगा ना. बोलो जी. ठीक है, तो वो तो देना पड़ेगा. आप पोलर सॉल्वेंट और मतलब अभी तो नॉन पोलर सॉल्वेंट बताए हैं. ये नॉन पोलर इसके बारे में पढ़े हो ना, पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग में. डाइपोल मोमेंट देखे थे ना, कौन पोलर है कौन तुम्हारा नॉन पोलर है. ठीक है, कब होता है पोलर कब होता है नॉन पोलर, तो उसका यहाँ भी इस्तेमाल है. ठीक है, डाइपोल वगैरह सारा कुछ. अब लिखो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन. लिखो द बॉन्ड फ्यूजन इन विच कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन आर फॉर्म्ड. कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन आर फॉर्म्ड इज नोन एज होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन ठीक है, स्टार दे करके फिर लिखो. इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स इज वेरी हाई. दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा. और लिखो स्टार देकर के. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन टेक्स प्लेस इन पोलर सॉल्वेंट. तो यहाँ पे देखो जी, पोलर सॉल्वेंट के बात कर रहा है और वहां पे क्या बोला था, नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में बात किया था. समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज. अब देखो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लेते होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक हुआ तुम्हारा. हेट्रोलाइटिक में क्या बना, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन मान लेते हैं. अब बनेगा कैसे, देखो अभी बना नहीं है. जैसे ये मान लेते हैं कि ये है तुम्हारा सी और ये है तुम्हारा ए. ठीक है, हेट्रोलाइटिक, तो वहां क्या चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए. इज दैट क्लियर, वहां क्या चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए. अब यहाँ पे दोनों ब्रेक करेगा, कार्बोकैटायन कार्बन आयन में तोड़ना है, तो क्या दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहेगा, डिफरेंस हाई रहेगा. इसका मतलब कोई एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कोई एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसमें कौन सा साइन आएगा, डेल्टा नेगेटिव. डेल्टा माइनस नहीं बोलना, डेल्टा मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज. समझ में आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयरिंग में जो पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. समझ में आया, और जो देगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. मतलब यदि कोई दे रहा है तो द एबिलिटी टू पार्शियल डोनेट इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. और जो ले रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जो लेगा उस पर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा ना. आधा लिया ना, पूरा थोड़ी लिया, पूरा लेता तो बॉन्ड टूट गया था.
और जो दे रहा है उसमें क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अंडरस्टूड? अब हम इसको ले रहे हैं पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का एक नाम बताओ, H2O, वाटर, OHH। अब O पे कौन सा चार्ज रहेगा, डेल्टा नेगेटिव, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो डेल्टा नेगेटिव, और इसमें क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। बताओ कौन किसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, करेगा ना भैया, और जो पॉजिटिव वाला वो किसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो चाहेगा ना कि नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को कब अट्रैक्ट करेगा, जब पॉजिटिव ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो अपने आप को और पॉजिटिव बनाने के लिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, यानी कि ये किधर की ओर टूटेगा, ये इधर की ओर टूटेगा, यानी ये कैसे टूटेगा तुम्हारा, सी पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, और ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अंडरस्टूड? तो ये टूटा कैसे, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन में, किस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस। अंडरस्टूड? यदि यही हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता क्या, नॉन पोलर मतलब जिसमें चार्ज डेवलप नहीं हो पा रहा, समझे, तो उसमें होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा तो वो फ्री रेडिकल के केस में जा सकता है। बात समझ में आया, तो समझ में आया, यदि हम लोग कार्बोकैटायन बना रहे हैं, कार्बोकैटायन कार्बन आयन आर फॉर्मड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड फ्री रेडिकल इज फॉर्मड इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, बिना एनर्जी दे तो ब्रेक होगा नहीं, ठीक है, तो अब ये तो लिख लिया ना, फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, तो अब सबसे पहला लिखना ये फ्री रेडिकल, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहले जो डालेंगे हेडिंग, डालेंगे फ्री रेडिकल, बताओ जी फ्री रेडिकल के बारे में क्या लिखोगे, बोलो, फ्री रेडिकल के बारे में क्या लिखोगे, फ्री रेडिकल का मतलब क्या, CH3 डॉट, यही है ना, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसके बारे में, बोलो कि ये कैसे बना है, ये बना है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, ये सब तो पहले लिख चुके हो, लिखो फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, फ्री रेडिकल इज अ न्यूट्रल स्पीसीज कंपाउंड, या न्यूट्रल स्पीसीज केवल लिखो, कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट्स व्हाई फ्री रेडिकल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहा है ना, तो क्या है वो, अनपेयर्ड ही तो है, और अनपेयर्ड वाले को क्या कह लेंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और यदि पेयर्ड रहेगा तो क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब देखो इसका शेप हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो शेप इसका कैसा होगा जी, इसका CH3 का तुम्हारा शेप कैसा होगा, एक फ्री रेडिकल है तुम्हारा केवल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप बताओ पहले, शेप क्या होगा इसका, बोलो, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, लिखो शेप, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है,
और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। लेकिन इसमें भी एक ध्यान में रखना, एक्सेप्शन टाइप है। क्या ध्यान में रखना? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, लिखो स्टार दे करके, नोट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन द कार्बन, इज ग्रेटर देन कार्बन, देन हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स, सॉरी देन, हाँ, देन हाइब्रिड तुम्हारा, देन हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3, देन हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3 एंड शेप पिरामिडल। ठीक है, और शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और इसका कौन सा तुम्हारा, जैसे कि ये हम CH3, यदि यही आ जाए तुम्हारा C पे, और ये आ जाए Cl, ये आ जाए Cl, और ये आ जाए Cl, ये केस देखो, तो इस केस में तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम क्या है? कार्बन एटम से ज्यादा है। क्लोरीन का कितना होता है? 3.0, और कार्बन का कितना होता है? 2.5। समझ में आया? तो इस केस में वो चीज लागू होगा, ध्यान रखना। अगला लिखो कार्बोकैटायन। ठीक है, ये sp3 वाला केस है जी, और प्लेनर शेप वाला कार्बोकैटायन, और ये होता है तुम्हारा CH3 पॉजिटिव। ठीक है, लिखो, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, इट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर, सेम वैसा ही हो जाएगा। शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर, और लिखना स्टार दे करके, इट हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अब लिखो कार्बन आयन, कार्बन आयन। ठीक है, CH3 नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, समझे? नेगेटिव कैसे हुआ होगा? ये CH3, ये बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब क्या किया कि ये इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन लिया और अपना तो रखा, तब ये किस में कन्वर्ट हुआ? CH3, और एक इलेक्ट्रॉन ये इसका वाला, और एक जो एक्स्ट्रा आया है उसके कारण ये तो नेगेटिव आता है ना, समझे या नहीं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तब ना नेगेटिव जी, नेगेटिव का मतलब क्या, हम कर्ज लिए, समझे? और दिए मतलब कर्ज दिए, दान दिए, ऐसा समझो। तो देने वाला अच्छा आदमी, अच्छा आदमी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, और लेने वाला खराब आदमी तो उसमें क्या, नेगेटिव चार्ज। अब जितना देगा उतना पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन दो तो दो पॉजिटिव, चार इलेक्ट्रॉन दो तो चार पॉजिटिव। ठीक है, और तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन लो तो दो नेगेटिव, लेकिन ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? एक, एक तो इसका खुद का है ना, समझ में आया? तो इस पे कितना चार्ज आएगा? एक नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का मतलब क्या हो जा रहा है तुम्हारा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ऐसा समझ के रखना है तुमको। तो लिखो कार्बन आयन में, इट इज नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, इट इज नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, एंड शेप इज पिरामिडल, एंड पिरामिडल इन शेप, ऐसा भी लिख सकते हो, एंड पिरामिडल इन शेप। ठीक है,
अब स्टार देखे नोट लेकर के लिखो, इफ नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, इफ नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस देन हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp2, देन हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp2 एंड प्लेनर शेप। बात समझ में आया? हम क्या बोल रहे हैं ना कि नेगेटिव है तो ठीक है भाई, ऐसे है तो कैसा हो गया, वो NH3 की तरह हो जाता है ना, तो शेप क्या ट्रायंगुलर सॉरी पिरामिडल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव चार्ज इसका रेजोनेंस में आ जाए, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि ये CH2 नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है ना, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, ये पढ़े होगे तुम इसमें भी, इसमें ठीक है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये तुम्हारा चला जाएगा इधर और ये तुम्हारा आ जाएगा इस पे, तो जिससे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2 और नेगेटिव। तो बताओ क्या नेगेटिव एक जगह है क्या? नहीं, ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला। और नॉर्मली जो CH3 है, ठीक है, ये CH3 है, इसको लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, समझ में आया क्या बोले हम? क्लियर है? तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो वो फिक्स है ही नहीं है, तो इसीलिए फिर हम इसको क्या मानेंगे, यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 ना कि sp3। तो ध्यान में रखना, यदि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तब वहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो है जरा संभल के, ठीक है, वो sp3 के जगह क्या हो जाएगा sp2 कार्बन पे यदि है तो। चलो, तो ये तुम्हारा क्या था, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट तुम्हारा किसको कहते हैं? आगे हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में अपने को चार पढ़ना है। सबसे पहला जो है वो है अपना इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग ई इफेक्ट भी कहते हैं, सॉरी आई इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है तुम्हारा रेजोनेंस, ठीक है, जिसको हम लोग आर या फिर एम इफेक्ट भी कहते हैं। एम का मतलब होता है मेजोमेरिक, ठीक है, मेजोमेरिक और रेजोनेंस सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताएंगे पढ़ाते वक्त। तीसरा जो कहलाता है वो कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम लोग एच इफेक्ट भी कहते हैं। और फोर्थ है तुम्हारा मेजोमेरिक इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग ई इफेक्ट भी कहते हैं। समझ में आया? इसमें से तीन जो है वो परमानेंट इफेक्ट हैं और एक टेम्पोररी इफेक्ट है। तीन क्या है? परमानेंट इफेक्ट है और एक क्या है? टेम्पोररी। तो जो फर्स्ट थ्री है दैट इज परमानेंट इफेक्ट, तो परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी मतलब क्या, नौकरी है कि परमानेंट और टेम्पोररी, समझना, ठीक है। ये वाला जो होते हैं, ये जो होगा तुम्हारा, इसको कहेंगे टेम्पोररी। टेम्पोररी का मतलब होता है ये, यदि जैसे रिएक्शन होता है ना तो दो चीज मिलते हैं तब जाके रिएक्शन होता है, ठीक है, दो चीज मिलेगा ए और बी मिलेगा तब ना रिएक्शन होगा, अकेले ए से तो रिएक्शन होगा नहीं, तो रिएक्शन होने के लिए बी का होना जरूरी है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जैसे हम बोल रहे हैं कि ए का रिएक्शन जो है वो बी से हो रहा है, तो मान लो ए बी बन रहा है, ए का रिएक्शन तभी ना होगा जब बी बनेगा, अब मतलब बी रहेगा, बी नहीं रहेगा तो बताओ ए
का रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिकेशन। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? टेम्पररी, मतलब जब रहेगा बी तब ये होगा, बी नहीं रहेगा तो होगा क्या? नहीं होगा। या कोई वैसा हम दें जिसे वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो बताओ करेगा क्या? नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी इफेक्ट। एंड ऊपर का जितने भी हैं सब क्या रहेंगे? परमानेंट इफेक्ट। इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम कंपाउंड, हम ए हैं और मेरे में यदि इंडक्टिव वाला क्राइटेरिया है तो वो रहेगा, तो किसी दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया? हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, सब अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो दूसरे कंपाउंड की इसको कोई मतलब नहीं। यदि इसमें है तो इसमें है, लेकिन इसमें क्या है? ये ए तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है जब बी रहेगा तब। समझ में आया? तभी रिएक्शन करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालना इंडक्टिव इफेक्ट, मिटा दे इसको। हो गया, लिखे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट लिखो, इट इज पार्शियली ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इट इज पार्शियली शिफ्टिंग, ऐसा लिखो, इट इज अ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इट इज पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू दिस पार्शियल चार्ज आर डेवलप, ड्यू टू दिस पार्शियल चार्ज आर डेवलप। ठीक है, देखना जरा यहां से क्या बोले हम कि पार्शियली चार्ज ट्रांसफर के कारण जो इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। पार्शियली कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? सिग्मा, यानी यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, केवल किसका इंपॉर्टेंस है? सिग्मा का, और वो भी कैसा ट्रांसफर होगा? डिस्प्लेस होगा, पार्शियल, और पार्शियली चार्ज को ट्रांसफर करेगा, पार्शियली चार्ज को डिस्प्लेस करेगा, तो बताओ कैसा चार्ज उस पर डेवलप करेगा? पार्शियल। एंड दैट चार्ज वी डिनोट किससे? डेल्टा। समझ में आया? अब देखो जरा सा यहाँ पे, ये इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आई इफेक्ट। ठीक है, आई इफेक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट और एक को कहते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है? एक को क्या कहते हैं? प्लस आई, और दूसरे को क्या कहते हैं? माइनस आई। जो प्लस आई होता है वो होता है किसको कहते हैं? यदि कोई एटम और ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को शो करता है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन, अभी हम क्या बोले कि अच्छा आदमी जो रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? जो दान देगा, यानी जो देने वाला रहेगा, डोनेटिंग नेचर का रहेगा, वो क्या कहलाएगा? प्लस आई। लेकिन वही जो विड्रॉइंग नेचर का होगा, जो लेने का टेंडेंसी रखेगा, छीनने का टेंडेंसी रखेगा, वो क्या कहलाएगा? माइनस आई। यानी वैसा ग्रुप या एटम जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हो, पार्शियल इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वो क्या शो करेगा? प्लस आई। और वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता हो, छीनने की टेंडेंसी रखता हो, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, पार्शियली, वो क्या शो करेगा तुम्हारा? माइनस आई। बात समझ में आया? तो प्लस आई में इसी के नीचे लिख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ एनी ग्रुप और एटम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी any group or atom is known as minus I effect। ठीक है, सॉरी प्लस आई। और यहां पे क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग टेंडेंसी, ऑफ एनी एटम और ग्रुप इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। बोलो समझा? बोलो जी। ठीक है, और ध्यान में रखना इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट मतलब डिपेंड करता है, मेनली, कंप्लीटली नहीं। ठीक है, तो लिख लेना स्टार दे करके कि रीजन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज मेनली, ध्यान में रखना रीजन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये x है और गिवन में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ c इज ग्रेटर देन x, और जब c क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है x से, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ ट्रांसफर होगा, c की तरफ या x की तरफ? c की तरफ। समझ में आया? किधर जाएगा? c की तरफ। तो c पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव? डेल्टा नेगेटिव, अंडरस्टूड? और इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बाद? इस पे तो इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आने के बाद ऐसे तो तुम्हारा दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम था, लेकिन अब बताओ एक चार्ज कार्बन हो गया, ऐसा समझो कि एक ए है, एक तुम्हारा एक ए प्लस है, एक ए है और एक ए माइनस में। इसमें यदि हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्या बोलोगे? ए माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किससे? ए से, और ए प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। इस प्रकार तुमको मिलता है -5। गलत है। समझो देसी भाषा में क्या बोले हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मंजे कहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेगा कौन? अरे खाना कौन खाएगा, जो भूखा है। अरे बोल, हमको ज्यादा भूख लगा है तो ज्यादा खाना खाएंगे। अब एकदम यहां तक भरे हुए हैं, खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन समझ लो खाना, किसका ओवरलोडेड है? ए माइनस का। और भूखा कौन है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ए प्लस की। ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन ए माइनस, इसके पास जरूरत से ज्यादा है ए के पास, काहे का माथा मारी मगजमारी करेगा? समझ में आया? वो तो चाहेगा अपने आप को न्यूट्रल करना, ले ले रे बाबा तुमको चाहिए तो, लेकिन ए प्लस क्या चाहेगा, खींचना चाहेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, जिसकी भूख ज्यादा, जिसपे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब वापस आ जाओ, बताओ अब C पे डेल्टा माइनस और C नॉर्मल है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? C न्यूट्रल वाला। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस होगा? समझ में आया? इस पे क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा वन नेगेटिव। अब फिर बताओ किधर डिस्प्लेस होगा? समझ में आया? इसको कहेंगे डेल्टा टू नेगेटिव। फिर बताओ किस पे? समझ में आया? डेल्टा थ्री नेगेटिव। अब बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि डेल्टा माइनस, डेल्टा वन माइनस, डेल्टा टू माइनस, डेल्टा थ्री माइनस में चार्ज कहां पे सबसे ज्यादा रहा है? डेल्टा वन पे, डेल्टा थ्री पे, कैसे, किस पे ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड है? बोलो, रस्सी वाला गेम कभी खेलो पकड़ करके? बोलो। अरे भाई 10 लोग उधर खींच रहे हैं, 10 लोग इधर खींच रहे हैं, समझ में आया? अब मान लो 10 लोग इधर हैं और 10 लोग उधर हैं, ठीक है। अब उधर वाले जो
मान लो 50 लोगों का लाइन ऐसे समझ लो, इधर से किसी ने रस्सी छोड़ दिया, गिरेगा, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगा, पहले वाले को या आखिरी वाले को? आखिरी वाले को तो 50वें वाले को दिक्कत होगा। सबसे ज्यादा उसका धक्का किसको महसूस होगा? 10-50 लोग का लाइन लगाते हैं, तेरे को सबसे आगे रखते हैं और तेरे को धक्का दिलवाते हैं किसी और, एकदम तकलीफ सबसे ज्यादा किसको होगा? आखिरी वाले को होगा क्या? होगा, बहुत कम होगा। ये इलेक्ट्रॉन दे ही तो रहा है, सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? पार्शली ट्रांसफर है ना, हम इसको दिए 50, तो 50 का 50 ही थोड़ी ट्रांसफर करेगा, उसमें से थोड़ा सा और ट्रांसफर करेगा, थोड़ा ट्रांसफर, फिर उसके पास जो बचा हुआ उसमें से वो ट्रांसफर करेगा। अंडरस्टूड? इट मीन्स कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। समझ में आया? मतलब कि स्टार्टिंग में इसको ज्यादा मिला है, लेकिन धीरे धीरे ये चार्ज कुछ दूर जाने के बाद खत्म हो जाएगा, और आफ्टर 4 कार्बन इट्स वैल्यू इज 0। चौथे कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, चाहे कितना भी देने वाला हो मान। अरे भैया, गवर्नमेंट पैसा दिया, पब्लिक को देना है, जो गरीब इंसान है, तो पहले क्या होता था, दिया 1 करोड़ कि पर पर्सन को 1,000 मिलना चाहिए जो वहां है गरीब, और पहुंचा कितना, 50 रुपए, 100 रुपए। समझ में आया? दिया तो था लेकिन पहुंचा कितना, 50, और अगला आदमी रहता तो हो सकता वो भी नहीं बचता। तो जो चेन है वो 4 कार्बन के बाद समाप्त। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताओ क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव का सबसे ज्यादा, देन डेल्टा 1 नेगेटिव, देन डेल्टा 2 नेगेटिव, देन डेल्टा 3 नेगेटिव। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब इसको कौन सा इफेक्ट कहेंगे, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। कार्बन चेन को छोड़ करके जो ग्रुप और एटम है जिसके कारण ये इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसी को देखो। किसके कारण जनरेट हो रहा है? एक्स के कारण। कार्बन चेन को छोड़ो, किसके कारण हो रहा है? एक्स के कारण। एक्स पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव। तो कौन सा इफेक्ट? अरे जो बोल, पॉजिटिव, यानी ये प्लस साई वाला है। अब इसी में यदि हम क्या करते हैं कि सी 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 और यहां लेते हैं वाई, और यहां पे जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन सी, तो बताओ किधर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता? बोलो किधर करता? वाई की तरफ, और वाई पे क्या होता, डेल्टा नेगेटिव, और इस पे क्या होता, डेल्टा पॉजिटिव। अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? डेल्टा पॉजिटिव है ना, भूखा है ना भाई, तो किधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर, इस पे डेल्टा 1 पॉजिटिव, फिर डेल्टा 2 पॉजिटिव, डेल्टा 3 पॉजिटिव। अंडरस्टूड? अब मैग्नीट्यूड क्या होता, किधर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर के जाता, मतलब पॉजिटिव का चार्ज का मैग्नीट्यूड किस पे ज्यादा पॉजिटिव होता, पहले वाले पे या आखिरी वाले पे? पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा, पहले वाले पे ना, लेने वाला कौन है, वाई, तो ये तो सबसे ज्यादा किससे लिया होगा, पहले वाले से। समझे या नहीं समझे? हम तुमको खींचेंगे तो सबसे ज्यादा कौन खींचाएगा, सबसे पहले वाला या आखिरी वाला? पहला वाला। तो वो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किससे खींचेगा, पहले वाले से। अब पहले पे जो जनरेट हुआ उसके आधार से वो दूसरे वाले से खींचेगा। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड किसका फिर ज्यादा होगा, डेल्टा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, देन उसके बाद डेल्टा 1 पॉजिटिव का, देन उसके बाद डेल्टा 2 पॉजिटिव का, देन उसके बाद डेल्टा 3 पॉजिटिव का। छापो। और इसके इसको कौन सा इफेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? माइनस आई।
मिटा दे, लिखो जल्दी लिखो। अब हेडिंग डालो चार्ज स्टेबिलिटी, फिर से वापस आएंगे इस पे। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ध्यान में रखना, पूरा ऑर्गेनिक चलने वाला है, नहीं तो पता चले तुम्हारा साफ है पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद है ना, कुछ का सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का 4.0, ठीक है। उसके बाद किसका, ऑक्सीजन का कितना, 3.5, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का 3.0, क्लोरीन का 3.0, ठीक है। कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, एटलीस्ट इतना का याद होना जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। क्लियर, लिखो चार्ज स्टेबिलिटी, चार्ज स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखो जी, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब या नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होगा दुख, समझे, नेगेटिव का मतलब दुख, पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव मंजे अल्सो दुख, हाँ समझो, मेरे पास एक्स्ट्रा है जरूरत से ज्यादा तो भी उसके लिए दिक्कत है। ऑक्टेट कंप्लीट इससे ज्यादा है तो परेशानी वाली ही बात है ना भैया, अपने को क्या चाहिए, न्यूट्रल, ना ज्यादा ना कम। तो यदि इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा है तो भी उसके लिए दुख वाली बात है, और इलेक्ट्रॉन उससे लिए कम है जरूरत से तो भी उसके लिए दुख वाली बात है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है उसके इलेक्ट्रॉन को कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके इलेक्ट्रॉन को इक्वल कौन करेगा, मतलब लेवल अप कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। बात समझ में आ रहा, स्टार देकर के लिखो। तो क्या हम कह सकते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा, देने वाला, डोनेटिंग ग्रुप, लिखो ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, फिर स्टार देकर के लिखो, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड ऑल इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। बात समझ में आया? यानी कि यदि पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो उसको स्टेबल कौन करेगा? निगेटिव वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, ठीक है। और यदि कहीं उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मिल गया तब उसको और क्या करेगा? अनस्टेबल। एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं था और कोई बगल में आ गया जो उससे और इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो वो क्या होगा? अरे और क्या होगा? वो अनस्टेबल होगा। उसको कैसा चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। और लिख लो स्टार देख करके, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और सॉरी ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज, ठीक है। और बाकी तो आगे तो समझ जाओगे ना। यदि विड्रॉइंग वाला क्या करेगा? स्टेबल करेगा निगेटिव चार्ज को, तो डोनेटिंग वाला निगेटिव को क्या करेगा? अनस्टेबल। उसको भी लिख ही लेना कि डोनेटिंग टेंडेंसी वाला ग्रुप रहेगा तो वो निगेटिव को क्या करेगा? अनस्टेबल। जरूरत से ज्यादा उसको देगा, वो भी उसके लिए दुख है। बात समझ में आया? ठीक। अब देखो पीरियोडिक टेबल याद है? एक तो हम लोग इधर की ओर जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अलोंग पीरियड। और एक क्या जाते हैं? डाउन द ग्रुप। अब बताओ अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? कम। लेकिन वो साइज में बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं होता है, इन द सेंस कि सेम सेल में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो साइज बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। लेकिन भारी भरकम जो बदलाव आता है वो आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, क्योंकि इधर तुम्हारा नॉन मेटल है और इधर मेटल है, तो मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होता है। सोडियम वगैरह 0.8-0.91 के समथिंग में वो लोग का होते रहता है, ठीक है। लेकिन इधर जाओगे तो 4 मिलेगा, भारी डिफरेंस मिलता है। तो अलोंग द पीरियड वाले एलिमेंट रहेंगे चार्ज स्टेबिलिटी को समझने के लिए, अलोंग पीरियड वाले एलिमेंट रहेंगे तो हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। क्या चेक करेंगे? चेक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और ध्यान में रखना साइज कॉन्स्टेंट हम यहां मान के चलेंगे, लेकिन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो जाता है और साइज बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ही क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहां चेक करेंगे, चेक साइज, ठीक है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को क्या मानेंगे? कॉन्स्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो लिख लेना अलोंग पीरियड ऑलवेज कंसीडर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। अलोंग पीरियड ऑलवेज कंसीडर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड साइज इज कॉन्स्टेंट एंड साइज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो। और लिखना अलोंग द ग्रुप कंसीडर साइज ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो एग्जाम्पल, चलो जी बताओ विच इज मोर स्टेबल। ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव। और नाइट्रोजन पे क्या है? नेगेटिव। अलोंग द पीरियड है या अलोंग द ग्रुप है? अलोंग द पीरियड। और अलोंग द पीरियड के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल, ठीक है। आंसर होगा तुम्हारा स्टेबिलिटी। इसका क्या देख रहे हैं? स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आंसर होगा ए इज ग्रेटर देन बी। लिखो स्टार देकर के, नोट
नोट लिखो, इन केस ऑफ सेम पीरियड एलिमेंट, इन केस ऑफ सेम पीरियड एलिमेंट, इन केस ऑफ सेम पीरियड एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी हाईली स्टेबल, विल बी हाईली स्टेबल. ठीक है, क्या हो जाएगा वो तुम्हारा बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाएगा. ठीक है, अब इसी के बेसिस पर यदि हम ऐसा दे दें, हाँ देखो जरा सा अगला क्वेश्चन में तुम्हारा, बताओ जी स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल है, ए या बी? बी इज मोर स्टेबल देन ए, होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल लेकिन पॉजिटिव अनस्टेबल. अंडरस्टूड? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन भी है लेकिन ऑक्सीजन से कम है, तो इसका पॉजिटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन स्टेबल माना जाएगा. बोलो बात समझ में आया, यह वाला भी क्लियर हुआ क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, एकदम ध्यान में रखना, पूरे आखिरी तक काम आएगा. ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अनस्टेबल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखो, जैसे कि यही दे देते हैं. ठीक है, एफ माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, स्टेबिलिटी बताना है जी. स्टेबिलिटी मिटा देना, स्टेबिलिटी एफ नेगेटिव इज मोर स्टेबल, यानी ऑर्डर क्या होगा, एफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी. और कोई कुछ बोलेगा? ए बी सी डी में बता, ए सी बी डी, ऐसा क्यों? बी आर इज मोर स्टेबल देन सी एल, बाकी कहीं कुछ नहीं, हाँ साइज तो देन. अरे भैया ये किस, ये सेम पीरियड है या सेम ग्रुप है? ग्रुप है ना, अब ग्रुप है तो देखो साइज, नेगेटिव चार्ज क्या है तुम, दुख है ना, और बड़ा बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, दुख बांटने से कम होता है, तो साइज किसका बड़ा है, सीएल का कि आई का? आई का, तो अपना नेगेटिव दुख जो है घूम घूम के बांटेगा, कम होगा. समझ में आया? तो साइज जितना बड़ा रहेगा उसका नेगेटिव का मैग्नीट्यूड उतना ही कम हो जाएगा, लेकिन साइज जितना कम रहेगा उसका नेगेटिव का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा रहेगा, डेंसिटी ऐसा समझो. समझ में आया? तो स्टेबल कौन होगा, D, देन उसके बाद C, देन उसके बाद B, देन उसके बाद A. समझे? अब आ जाओ दोबारा इंडक्टिव इफेक्ट पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस I बताना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस I, ठीक है, डैश N F F F पे पॉजिटिव A है ये, N R R R पे पॉजिटिव B है ये, N H H H पे पॉजिटिव C है ये. चलो जी बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबल नहीं माइनस आई,
ग्रुप और एटम पढ़े थे ना, तो इधर समझ लो कि कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, और देखो हर एक नाइट्रोजन पे क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो माइनस आई किसका सबसे ज्यादा होगा, इस वाले का या इस वाले का, जिस पे जितना माइनस आई किसका ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन माइनस आई किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, माइनस आई किसको कहें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी, और विड्रॉ कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा, तो देखो कौन कितना इलेक्ट्रॉन का भूखा है, यानी जिसका पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का भूखा वही है, और माइनस आई उसी का ज्यादा होगा, दिमाग लगाओ। ए बी सी कैसे, सिंपल से देखो कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड किस पे ज्यादा है, तो यदि ये वाला तुम देखोगे ए में, तो तुम्हारा क्या फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, नाइट्रोजन से। अच्छा और एक बात, जो क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं तो तुम एबीसीडी लिखना, इसके साथ साथ तुम उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना अपने भाषा में, जैसे मन करे, जो तुमको कि बाद में तुमको समझ में आ जाए कि वो क्यों हुआ था वो लिख लेना, समझ में आया। तो अब देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की तरफ, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सारा एक तो नाइट्रोजन पे पहले से पॉजिटिव है, ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉन को और खींच लिया, तो बताओ उस पे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव और बढ़ेगा, समझे या नहीं समझे, अरे पॉजिटिव उस पे पहले से था, इलेक्ट्रॉन की कमी, फ्लोरीन क्या किया, इलेक्ट्रॉन और खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा या ज्यादा होगा, और कम हो जाएगा, और जितना कम होगा उतना ही पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और जितना पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ही इसका क्या बढ़ेगा, माइनस आई, इस पूरे ग्रुप का क्या बढ़ेगा तुम्हारा, माइनस आई, यानी सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, ए। अब बी और सी में आओ, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन की तरफ, तो अब देखना होगा, इलेक्ट्रॉन तो दे दोनों रहे हैं, लेकिन कौन इलेक्ट्रॉन कम देगा, जो इलेक्ट्रॉन कम डोनेटिंग रहेगा, क्योंकि अपने को तो माइनस आई देखना है, और माइनस आई का मन जगह है कि जिसपे जितना पॉजिटिव रहे, तो यदि देने वाला रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा क्या, तो चला जाएगा, तो माइनस आई तो उसका खत्म हो जाएगा, अपने को क्या चाहिए, जिसपे जितना पॉजिटिव रहे, एक तो मिल गया, विड्रॉइंग ग्रुप मिला तो पॉजिटिव बढ़ गया, लेकिन अब यहाँ पे सब डोनेटिंग है, दोनों देने वाले हैं, तो हमको ये ना देखना होगा कि कौन कम दे रहा है, बोलो भेजा घुसा खोपड़ी में घुसा, जो कम देगा वो मेरे लिए बढ़िया है ना, क्योंकि निकालना माइनस आई है, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, अरे दे दोनों रहा है, और पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड को कम दोनों करेगा, लेकिन ये देखना होगा कि कौन ज्यादा कम कर रहा है और कौन कम, और मेरे लिए कौन बढ़िया होगा, जो कम 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 करे उसी का माइनस आई ज्यादा होगा, तो बताओ अब कम कौन कर रहा है। अब R का मन जगह है CH3 कार्बन, और कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है 2.5, और नाइट्रोजन का 3.0, और यहाँ हाइड्रोजन का होता है 2.1, और इसका होता है 3.0। अब बताओ ये खींचेगा तो दोनों से, R से भी खींच रहा है और H से भी खींच रहा है, ज्यादा किससे खींचेगा, H से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ये कम पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है, तो ज्यादा किससे खींचेगा, H से, तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कहां कम होगा, अरे भैया नाइट्रोजन दोनों जगह कॉमन है, हम क्या बोले हैं कि पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कब ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव मतलब पहले से कमी है और कम करना है, तो क्या करोगी तुम, दोगी या लोगी, तेरे पास ₹5 माइनस ₹5 है तेरे पास, नहीं नहीं ₹5 है तेरे पास, हमको और तुमको कम करना है,
तो हम तुमको पैसा और देंगे कि तुमसे तुमसे लेंगे? लेंगे ना, लेंगे, तभी तुम्हारा कम होगा वो। तो वही इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो और कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई वैसा चाहिए जो इससे खींच ले, समझ में आया? लेकिन यहां दोनों है देने वाले, तो हम क्या चाहेंगे कि कौन कितना कम दे। भेजम घुसा, तो कम कौन दे रहा है, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल और ये कम। तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कहां ज्यादा रहेगा, सी में या बी में? सी में। पक्का सोच लो, हम यदि किसी पे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड है तो हम उससे वापस लेंगे तो उसके पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड में बढ़ोतरी होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या बतलाता है, इलेक्ट्रॉन कम है या इलेक्ट्रॉन नहीं है, दुख है, पॉजिटिव वाला दुख है। ठीक है, सिंपल सा है, पॉजिटिव वाले का दुख कौन कम करेगा, नेगेटिव वाला, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और उसके दुख को कौन बढ़ाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ जाए तो। नहीं समझे, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझ में आया? तो इस पूरे ग्रुप की बात हो रही है कि कौन सा ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, और सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन का भूखा, उतना ही ज्यादा ये दूसरे से खींचेगा, समझ में आया? तो हमको अब ये देखना होगा कि जो बाकी जो ग्रुप लगे हुए हैं वो उसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करने में मदद कर रहा है या ज्यादा करने में मदद कर रहा है। यदि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कोई बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, भूख बढ़ा रहा है उसका, समझे? और पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कोई कम कर रहा है, इसका मतलब उसके भूख को कम कर रहा है, और जितना ज्यादा भूख रहेगा माइनस आई उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम भूख होगा उतना ही माइनस आई कम होगा। तो जो ये एफ लगे हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसके भूख को और बढ़ा दिए, समझ में आया? लेकिन ये दोनों इसके भूख को कम कर रहे हैं। अब बता, कम कर रहा है मतलब कि ज्यादा कम कौन कर रहा है, 2.1 वाला। ये क्यों नहीं, इसका इसका वैल्यू है 3.0, इसका है 2.5। 2.5 मतलब बहुत ज्यादा वो देने वाला नहीं है, अरे ये लेने का नंबर है 2.5, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। घर में जाके थोड़ा पढ़ो, केवल यहां आंख से देखने से नहीं होगा, बुझाया? 2.5 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, वो लेने की टेंडेंसी है, क्षमता है। तो इसका लेने का क्षमता है 2.5, इसका लेने का क्षमता है 2.1, लेकिन यहां बाबा जी बैठे हुए इसका वैल्यू है 3.0। अब ये तो लेगा ही, तो आसानी से कौन देगा, 2.1 वाला कि 2.5 वाला? 2.1 वाला। समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, समझा ना? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब लेना है, हम लेने वाले हैं, लेकिन अब कोई और बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आ गया, फ्लोरीन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि अब सबसे बड़ा वही है। तो जब यहाँ 3.0 वाला है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना होगा, लेकिन आसानी से कौन देगा, ये वाला या ये वाला, समझ में आया? तो पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड को कौन ज्यादा कम कर रहा है, ये ज्यादा देगा तो इसका भूख कम होगा ना, लेकिन हमको माइनस आई के लिए तो ज्यादा भूख वाला चाहिए, ज्यादा भूख यानी ज्यादा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि इसने कम दिया है, इसको कम डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन, तो उसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर बरकरार रहेगा, लेकिन इसने ज्यादा दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया,
तो ये किसी से और लेना चाहेगा क्या? नहीं, भूख था, मिल गया, खा लिया, पेट भर गया। इसको कम मिला, अभी भी भूखा है, और इसे कोई छीन लिया तो ये और भूखा है। तो माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा? यानी क्या तुम्हारा आ रहा है? डैश एन एफ थ्री पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डैश एन आर थ्री इज पॉजिटिव, डैश एन एच थ्री इज पॉजिटिव। जिस भी भाषा में लिखना होगा उस भाषा में लिख लेना अपने से, मेरा काम है एक्सप्लेन करना, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हो गया, अब लिखो ऑर्डर ऑफ माइनस आई। तो इसी प्रकार से सब जो है माइनस आई का ऑर्डर ही तुमको लिखवा रहे हैं ग्रुप का, कि किसका ज्यादा माइनस आई होता है, किसका कम, और वो रट्टा मार के रखना, रटना है, लिख लेना ऊपर ब्रैकेट बना के, रटना है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन हिलेगा नहीं, याद नहीं रहेगा वो। तो ऑर्डर लिखो, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। सबसे पहले होगा एन एफ थ्री पॉजिटिव जो अभी देखे हैं, देन उसके बाद एन आर थ्री पॉजिटिव, देन उसके बाद एन एच थ्री पॉजिटिव, ठीक है? देन उसके लिख रहे हो ना, देन उसके बाद एन ओ टू नाइट्रो ग्रुप, देन उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड, ठीक है? सबसे कैसे जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है? देन उसके बाद तुम्हारा एल्डिहाइड, ठीक है, सी एच ओ एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन, ठीक है, सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन उसके बाद, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, देन उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ओ आर, यानी कि डैश ओ आर, ईथर, ईथर है, डैश ओ आर, ठीक है, उसके बाद डैश ओ एच एल्कोहल है, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा डैश सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है, फिर डैश एन एच डबल बॉन्ड पी एच, ठीक है, सी एच पी एच, ठीक है, पी एच, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और इसके बाद आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही रेफरेंस लिया जाता है। और ये ऑर्डर याद होना जरूरी है, ये तो अभी क्वेश्चन कर लिए, एन एफ थ्री एन आर थ्री एन एच थ्री सर नाइट्रो साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ओ आर ओ एच आया ओ आर ओ एच उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद एन एच पी एच उसके बाद डबल बॉन्ड उसके बाद हाइड्रोजन याद हो जाएगा थोड़ा सा ध्यान रखो करोगे हो जाएगा पाला में क्या है तुम्हारा एन एफ थ्री प्लस एन आर थ्री प्लस उसके बाद एन एच थ्री प्लस वो तो क्वेश्चन किए उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा नाइट्रो उसके बाद साइनाइड उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ओ आर ओ एच ट्रिपल बॉन्ड एन एच पी एच डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ठीक है
चलो उसके बाद लिखो प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। याद होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, निकालना है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, किसका? तो सी और H का, या C और T का, C और D का, और C और H का। तो बॉन्ड एनर्जी जो है ना, एक्सपेरिमेंटल है ये, बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो A का ज्यादा होता है, ग्रेटर देन B से ज्यादा होता है C का, C का बॉन्ड एनर्जी कम होता है। तो याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड रहता है ना, उसमें वाइब्रेशन पाया गया है एक्सपेरिमेंटल। तो वाइब्रेशन ज्यादा होने से बहुत कम एनर्जी में ही वो बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। आज के लिए बस इतना ही, लिख लेना रीजन ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। पूछो कोई प्रॉब्लम है तो, डाउट से आज वाला ही तो।